दोस्तों आईपीएल 2023 के नवे मैच में केकेआर की टीम ने आरसीबी टीम को 81 रनों की बड़ी मार्जिन से हराकर आईपीएल में हासिल की है पहली जीत। शार्दुल ठाकुर की तूफानी बल्लेबाजी के बाद वरुण और सुहास शर्मा की खतरनाक गेंदबाजी के कारण केकेआर यह मैच बड़ी आसानी से जीत चुकी है। तो इस मैच के बाद क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स केकेआर टीम से देखने को मिला है, पॉइंट टेबल में केकेआर कौन से स्थान पर है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शार्दुल ठाकुर के लिए वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों टॉस जीतकर आरसीबी पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 204 रन बनाए और आरसीबी की टीम 17.4 ओवर में 123 रन पर ही सिमट गई। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मैच केकेआर टीम को सिर्फ 6 प्लेयर्स ने जिता के दिए है। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग में रामानुल अग्रवाल, रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर, बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, सुहास शर्मा और सुनील नारीन। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वह सलामी बल्लेबाज रामानुल्ला गुरबाज की परफॉर्मेंस। तो पावर प्ले में गुरबाज काफी अटैकिंग खेलते हैं। फर्स्ट मैच में 16 गेंदों में 22 और आरसीबी टीम के खिलाफ सेकेंड मैच में 44 गेंदों में 57 रन बनाए हैं। तो जहां एक तरफ पावर प्ले में वेंकटेश मनदीप और राणा का विकेट गिर चुका था, रहमानुल्ला गुरबाज का रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वह है अनएक्सपेक्टेड प्लेयर शार्दुल ठाकुर। ईडन गार्डन्स में केकेआर फैन सोचे थे विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगा आंद्रे रसेल से, लेकिन 0 पे आउट हो जाने के बाद बैटिंग करने आए थे शार्दुल और 29 गेंदों में 68 रन बना के नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ने आईपीएल में ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 का हकदार बन चुके हैं। जब केकेआर टीम का 5 विकेट गिर चुका था तब रिंकू और शार्दुल ने 103 रनों का पार्टनरशिप बनाए। तो ये बहुत ही बड़ा एक टास्क पॉइंट है, केकेआर को शार्दुल ठाकुर के रूप में एक बेहतरीन फिनिशर मिल चुका है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों स्पिन गेंदबाज द्वारा कमाल का गेंदबाजी। तो एक खतरनाक शुरुआत के बाद 21 रन बनाने वाले विराट कोहली को सुनील नारीन ने बोल्ड किया, उसके बाद वरुण ने फैफ डुप्लेसिस को बोल्ड किया, आरसीबी टीम के बल्लेबाज उसके बाद एक एक करके सुनील नारीन, वरुण चक्रवर्ती और सुहास शर्मा का शिकार बनते चले गए। तो आरसीबी टीम का 9 विकेट इन 3 गेंदबाजों की झोली में। तो दोस्तों अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो है टॉप ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स। दोस्तों मनदीप सिंह दोनों मैचों में फ्लॉप जा चुके हैं, साथ ही साथ नीतीश राणा भी। जहां टीम में 5 शतक जड़ने वाला प्लेयर नारायण जगदीशन है, वहां पता नहीं क्यों केकेआर मनदीप सिंह को शुरू से खिला रही है। दोस्तों दूसरा नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है टीम साउथी का गेंदबाजी। फर्स्ट मैच में और सेकेंड मैच में, दोनों मैच में साउथी काफी महंगा जा चुके हैं। माना कि फर्स्ट मैच में लॉकी फर्गुसन चोटिल थे, लेकिन सेकेंड मैच से पहले बिल्कुल फिट है, नेट प्रैक्टिस भी किए हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिला, बल्कि टीम साउथी को मौका दिया गया जो हर मैच में महंगा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्लेयर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट बंद करके केकेआर टीम को अपना बेस्ट प्लेयर्स के साथ ही उतरना चाहिए। तो दोस्तों पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो केकेआर की टीम इस जीत के बाद 2 पॉइंट्स के साथ सीधा नंबर 3 पर पहुंच चुका है। नेट रन रेट काफी बढ़िया है टीम का, माइनस से सीधा +2 पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कुछ और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगा है इस मैच में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।